Good morning, class 7th. Welcome back to your English class. This is your supplementary book reader, and before this we have studied a chapter in this, that is the first chapter. The name of your book is An Alien Hand, and we shall begin with the second chapter of your book today. So the first chapter that we have studied was the story of the tiny teacher. That was the story of ants. This time we are going to learn a lot about another animal, that is the elephants. So let's see what we find in the chapter. The name of the chapter is Bringing Up Curry. So this chapter is basically about a boy who has a pet animal, which is an elephant. Let's see what we are going to read in the first part. Curry, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. Curry doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious twigs a day. Playful and sensitive, Curry saves a boy from drowning. तो करी एक 5 महीने का elephant, बेबी elephant है जो कि एक 9 साल के friend और keeper, यानी कि उसका ख्याल रखने वाला बच्चा के साथ रहता है. करी बहुत ज़्यादा तो नहीं खाता है, लेकिन एक दिन में सिर्फ 16 किलो delicious twigs, twigs मतलब जो पेड़ के जो छोटे छोटे तिनके होते हैं जिनसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, that are twigs. नेचर से बहुत प्लेफुल और सेंसिटिव है करी. वो एक छोटे से लड़के को डूबने से बचाता है. ड्राउनिंग मीन्स डूबना. लेट्स रीड द चैप्टर. करी द एलिफेंट वॉज 5 month old व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ. आई वॉज 9 year old एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिपटो. ही सीम टू रिमेन दैट 9 दैट हाई फॉर नियरली 2 years. वी ग्रू टूगेदर. दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट हाउ जस्ट टॉल ही वॉज. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. One of the first things Curry did was to save the life of a boy. Curry did not eat much, but he nevertheless needed 50 pounds of twigs a day to chew and play with. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand on the river for an hour. After that, he would lie in the water for a long time. On coming out, his skin would be shining like ebony and he would squeal. So first, let's understand this part. Curry एक elephant है, 5 महीने का बच्चा है, जो कि मुझे, यानी कि ये first narration में लिखा गया है ये chapter. First narration मतलब जब भी कोई चैप्टर में जो राइटर है वो आई, मी या माई सेल्फ करके बात करें तो मतलब वो फर्स्ट नरेशन में लिखे गए चैप्टर्स होते हैं. तो जब नरेटर को ये एनिमल एलिफेंट मिला था, बेबी एलिफेंट, तो वो 5 महीने का था. वो खुद 9 साल के थे और वो जब अपने टिप तो यानी कि पैर की उंगलियों के टिप्स पे खड़े होते थे तब जाके वो उसके पीठ तक पहुँच पाते थे. करीब 2 साल तक वो उतना ही बड़ा था. हम दोनों साथ बड़े हुए और शायद तभी मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि वो कितना लंबा है. वो अपने पवेलियन, पवेलियन इज द प्लेस वेयर ही लिव्ड, पवेलियन में रहता था, जिसके उस पवेलियन के ऊपर थैश्ड रूफ थी. थैश मतलब सूखी घास से बनी हुई रूफ थी जो कि ट्री के बड़े बड़े लॉक्स के ऊपर टिकाई गई थी किसी तरह, ताकि जब जब भी करी अपने पूरे पवेलियन को हिलाए तो वो रूफ नीचे ना गिरे या फिर वो पोल्स में जाके भिड़े बम, सो दैट पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ हुआ है उसके घर का वो टूट ना जाए. सबसे पहली चीज़ जो करी, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. सबसे पहली चीज़ जो रिमार्केबल चीज़ जो करी ने की वो ये थी कि एक बच्चे की उसने लाइफ सेव की. करी बहुत तो नहीं खाता था, लेकिन कम से कम उसको एक दिन में 50 pounds यानी कि 16 किलो ट्विक्स चाहिए होते थे खाने और खेलने के लिए. हर दिन मैं उसका ख्याल रखता था. मैं उसे मॉर्निंग में रिवर के किनारे लेकर जाता था उसको नहलाने के लिए. वो वहाँ सैंड पे, रेत पर लेट जाता और अपने पूरे बॉडी को साफ सैंड में रब करता करीब 1 घंटे के लिए. उसके बाद वो पानी में बहुत देर तक जाकर लेट जाता. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी. और जब वो बाहर आता था तो उसकी पूरी स्किन बहुत खूबसूरती से शाइन कर रही होती थी. एंड बाहर आते ही वुड स्क्वील, स्क्वील मतलब चिल्लाना, जोर से आवाज़ निकालना. सो बाहर आते ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर एज आई रब वाटर डाउन हिज बैक. देन आई वुड टेक हिम टू द
by the ear because this is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. One has to be very sharp hatchet to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. It was not an easy job to get twigs and saplings for curry. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs, as he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some. One spring day in March, when I suddenly heard Curry calling to me in the distance. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. I thought somebody was hurting him. So what happens ahead in the chapter? जैसे वो पानी से बाहर आता वो खूब जोर से खुशी से चिल्लाता जैसे ही मैं उसके बैक रब करता था पानी से उसके बाद आई वुड टेक हिम उसके कान को पकड़ते हुए मैं वहाँ से उसको लीड करते हुए लेकर जाता था और जंगल के एज पे छोड़ देता था और उसी दौरान जब वो फॉरेस्ट में घूम रहा होता था तो मैं उसके लिए ट्विग्स कलेक्ट करने जाता था ल्यूशियस ट्विग्स ल्यूशियस मतलब टेस्टी और स्वीट स्मेलिंग ट्विग्स जो उसको खाने में अच्छे लगे वैसे ट्विग्स कलेक्ट करने के लिए जाता था वन हैज टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट अब वो जो ट्विग्स करी खाता था उसको कट करने के लिए हैचेट मीन्स द एक्स जिसको यूज करके वो उन ट्विग्स को कट करता होगा करी के लिए उसे हैचेट कहते हैं तो बेसिकली उसका हैचेट बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए उन ट्विग्स को कट करने के लिए और करीब ऑथर को आधे घंटे लग जाते थे उस हैचेट से ट्विग्स को कट करने के लिए क्योंकि अगर कोई भी ट्विग म्यूटिलेटेड होता तो कोई एलिफेंट उस ट्विग को टच नहीं करता म्यूटिलेटेड मतलब जो डिसफिगर्ड हो या जो सही से ना हो टेढ़ा मेढ़ा सा हो अच्छे से कट ना हुआ हो वैसे ट्विग्स को करी नहीं खाता था इनफैक्ट नरेटर ऐसा बता रहे हैं कि कोई एलिफेंट ऐसे ट्विग्स को नहीं खाता है ये बिल्कुल भी एक ईजी टास्क नहीं था करी के लिए ट्विग्स और सैपलिंग्स इकट्ठा करना मुझे हर एक तरीके के पेड़ पे क्लाइंब करना पड़ता था ताकि मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा डेलिकेट मतलब सॉफ्ट और टेंडर सॉफ्ट ट्विग्स चूज कर सकूँ उसको बहुत पसंद उसको ज़्यादातर यंग ब्रांचेस पसंद आती थी वो भी बैनियन ट्री की और बैनियन ट्री तो आप जानते ही हैं इतने ज़्यादा पत्ते उस पर ग्रो होते हैं दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द ब्रांचेस एंड फॉर द पर्सन टू कलेक्ट सच ब्रांचेस आई वॉज गैदरिंग सम वन डे वन स्प्रिंग डे इन मार्च व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस मार्च का दिन था और मैं ऐसे ही कुछ ट्विग्स उसके लिए कलेक्ट कर रहा था तब जब अचानक से थोड़ी दूरी पे करी ने मुझे ज़ोर से आवाज़ लगाई As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. I thought somebody was hurting him. जैसे उसने आवाज़ लगाई मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे बेबी को हर्ट करता है कोई और तब वो चिल्लाता है करी की आवाज़ बिल्कुल वैसी थी और वैसी कम थी जैसे कि एक एलिफेंट की होनी चाहिए थी इनको नरेटर को बेशक ये लगा कि कोई उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है सो ही आई केम डाउन फ्रॉम ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर I had left him, but he was not there. I looked all over, but I could not find him. I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above the surface. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. But I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up the shore. Then, still trumpeting, he pushed me into the water and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat at the bottom of the river. He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. I came to the surface of the water to take my breath and then Curry was standing. And there Curry was standing, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the body of the drowning boy so that to the surface. But not being a good swimmer, I could not swim ashore. And the slow current was already dragging me down. Seeing us drift by the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water. Where I missed the line, just a minute.
वेर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन आई रेज अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड. फिर क्या हुआ, जैसे नरेटर को ऐसा फील हुआ कि कोई करी को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो ट्री से उतरे और भागते हुए बहुत तेजी से वहाँ फॉरेस्ट के उस एज पे गए, एज मतलब किनारा जहाँ पे उन्होंने करी को छोड़ा था. और अनफॉर्चुनेटली करी वहाँ नहीं था. उन्होंने सारे तरफ देख लिया लेकिन वो करी को नहीं ढूंढ पाए. तब उसे ढूंढते ढूंढते वो पानी के एज पर पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने देखा कि कोई चीज़ ब्लैक कलर की पानी के सरफेस पे आने के लिए स्ट्रगल कर रही है. स्ट्रगलिंग मतलब परेशान होना, बहुत कोशिश करना. देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. फिर वो ब्लैक कलर की चीज़ धीरे धीरे ऊंची उठने लगी पानी के लेवल से और मैंने देखा कि वो एक एलिफेंट की ट्रंक थी और वो मेरे एलिफेंट की ट्रंक थी. मुझे लगा कि वो डूब रहा है. आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वॉटर एंड सेव द 400 पाउंड ऑफ हिम. मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि मैं पानी में कूद भी जाता तो मैं उसको नहीं बचा पाता क्योंकि ही वॉज मच मोर हैवियर. 400 पाउंड्स का वेट था उसका और बहुत ऊंचा भी था मुझसे, जितना मैं हूँ उससे कहीं ज़्यादा ऊपर. बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वॉटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगैन टू ट्रम्फिट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर. मैंने देखा कि वो धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है पानी से और जिस मोमेंट पे उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, कॉट माई आई मतलब दोनों की नज़रें मिलना, उसने जल्दी से कोशिश की वो ताकि वो तैर के शोर यानी कि नदी के किनारे तक आ जाए. देन स्टिल ट्रम्फिटिंग ही पुश्ड मी इन टू द वॉटर एंड आई फेल इन टू द स्ट्रीम. आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. और अभी ट्रम्फिट मीन्स परेशान होना. और अभी भी परेशानी में उसने क्या किया, मुझे पानी में गिरा दिया, पुश किया एंड आई फेल इन टू द स्ट्रीम. मैं पानी में गिर गया. जैसे मैं अंदर गिरा मैंने देखा कि पानी इस रिवर के बॉटम पे एक बच्चा डूब रहा था, एक लड़का. ही हैड नॉट ऑल्ट अभी तक थैंकफुली उसने पानी के सरफेस को पूरी तरीके से टच नहीं किया था, वो थोड़ा बहुत अफ्लोट था. अफ्लोट मतलब थोड़ा बहुत पानी के लेवल से ऊपर. आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वॉटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देन करी वॉज स्टैंडिंग. मैं पानी के सर्फेस पर आया ताकि सांस ले सकूँ एक बार और मैंने देखा कि करी वहाँ पे अभी भी खड़ा है, अपने पैर को जोर से उस बालू के बैंक में दबाए हुए और अपने ट्रंक को आप फैलाए हुए जैसे कि वो वेट कर रहा हो कि मैं अपना हाथ बढ़ाऊँ और वो मुझे बाहर खींच सके. आई डाइव्ड डाउन अगेन एंड पुल द बॉय ऑफ द ड्राउनिंग बॉय पुल द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सर्फेस बट नॉट बींग अ गुड स्विमर आई कुड नॉट स्विम अश्योर. मैंने उसको देखा और मैं वापस नीचे गया और उस बच्चे की, जो बच्चा डूब रहा था, उसकी बॉडी को खींच के सरफेस पे लाने की कोशिश की. लेकिन क्योंकि मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था, मैं बहुत अच्छे से स्विम करके उसको अशोर यानी कि किनारे पर नहीं ला पाया. और धीरे धीरे इसके बाद क्या होने लगा, जो पानी का करंट था, स्लो करंट, वो मुझे नीचे की तरफ खींचने लगा. हम लोगों को ड्रिफ्ट होता हुआ देखकर पानी के करंट की वजह से, करी जो कि यूजुअली बहुत स्लो और पॉन्डरस मतलब बहुत स्लो लेजी लथार्जिक था, वो सडनली ही डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक. वो करी जो कि बहुत लेजी था, उसने सडनली क्या किया, एक हॉक इज अ बर्ड, जैसे वो बहुत तेजी से, उसको पानी में उसका कोई शिकार देखा तो बहुत तेजी से स्पीड में नीचे पानी की तरफ जाती है अपने शिकार को पकड़ने, तो उसी हॉक की तरह वो हमारे तरफ निशाना लगाते हुए पानी में चलते हुए आधे पानी तक आ गया ताकि वो हमें हेल्प कर सके. और हम तक पहुंचते ही उसने अपनी ट्रंक आगे बढ़ाई. मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसको पकड़ लिया लेकिन वो बार बार उसके ट्रंक से मेरा हाथ स्लिप कर जा रहा था. लेट्स रीड अहेड. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वॉटर अगैन बट मैंने देखा कि मैं पानी के नीचे जा रहा हूँ वापस से. लेकिन बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वॉटर वॉज नॉट वेरी डीप सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Curry squealing and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us up, both ashore. फिर क्या हुआ? मैंने देखा कि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है और मैं अभी भी बच सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं जानबूझ के वापस से पानी के बिल्कुल बॉटम पे गया. बॉटम पे जाने का मतलब ताकि मैं वहाँ पे जाऊँ और ज़ोर से अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करूँ.
तो नरेटर ने क्या किया, वो पानी के बिल्कुल बॉटम पे गए और अपने आप को इस पॉस्चर में, जैसा होता है ना इस पॉस्चर में बैठना, पैर ऐसे और फ्लोट करना, इसको कहते हैं डबलिंग माई फीट। तो इस पॉस्चर में बैठ गए ताकि वो जोर से अपने फुट से यहाँ पे प्रेशर इसके अगेंस्ट दे ताकि इनकी बॉडी ऊपर की तरफ जाए। सो व्हाट ही डिड इन स्पाइट, वो उन्होंने क्या किया, वो जोर से वैसे बैठे उस अपने फीट को डबल करके नीचे और अपने आप को किक किया जोर से ऊपर की तरफ, एक एरो की तरफ निकलते हुए वो पानी में ऊपर उठ गए। इस बात को ना ध्यान में रखते कि वे कि उनके हाथ में एक डूबता हुआ लड़का भी है। थैंकफुली उनकी बॉडी ऊपर की तरफ उठने लगी और जैसे ही ऊपर की तरफ उठने लगी उन्हें फील हुआ कि उनके गर्दन के किनारे एक लासो है, लासो मीन्स रस्सी। सो देन व्हाट हैपेंड, ये सोच के वो बहुत डर गए क्योंकि उन्हें लगा क्योंकि अब उनके अगल बगल कोई वाटर एनिमल है जो उन्हें खा जाएगा। लेकिन तभी उनको करी के स्क्वील यानी कि चिल्लाने की आवाज़ आई और वो समझ गए कि ये जो लैसो उन्हें फील हो रहा था ये एक्चुअली में क्या था, करी का ट्रंक था जो कि नीचे इसलिए आया था ताकि वो उन्हें ऊपर की तरफ खींच सके, और वो खींच कर हम दोनों को नदी के किनारे पर ले आया। सो बेसिकली करी ने एक लाइफ बचाई। सो दिस वॉज वॉट हैपन इन द फर्स्ट पार्ट। करी के बेसिक एटिकेट्स के बारे में, उसकी पसंद नापसंद के बारे में बताया गया है, कैसे उसको नहाना पसंद था, क्या खाना पसंद था, कैसी ट्विग्स, कैसी लीव, और उसके हेल्पफुल नेचर के बारे में। लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन द सेकंड चैप्टर। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू द डिसकम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट्स द चाइल्डिंग, द चिडिंग ही नोज ही डिजर्व्स। करी अब धीरे धीरे राइप बनाना उसको बहुत पसंद करने लगा, मतलब पके हुए केले उसको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। उसको सेल्फ हेल्प में ज़्यादा विश्वास होने लगा। सेल्फ हेल्प मतलब खुद की मदद करना इंस्टेड ऑफ किसी और पर डिपेंडेंट रहना, जिसकी वजह से उसका जो फ्रेंड है यानी कि नरेटर बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्टेड रहता है, उनको अच्छा नहीं लगता है करी का सेल्फ हेल्पफुल होना। पूरी डिग्निटी के साथ करी अब उस डांट, चिडिंग मीन्स डांट, डांट को एक्सेप्ट करता है जो उसको पता है कि वो डिजर्व करता है। मतलब कुछ ऐसा होगा सेकंड पार्ट में जिसके वजह से करी को डांट पड़ती है, और करी पूरे डिग्निटी के साथ उस डांट को एक्सेप्ट करता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता है कि ये गलती जो उसने की है उसकी सजा इसे मिलेगी। सो लेट्स रीड। करी वॉज लाइक अ बेबी, ही हैड टू बी ट्रेन टू गो टू, ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी He was up to more mischief than ever. For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for banana, for ripe bananas. We used to keep large plants, plates of fruit on the table near a window in the dining room. One day, all the bananas on the table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. A few days later, the fruit disappeared again. This time the blame was put on me. And I knew I had not done it. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. This surprised me very much, for I had never seen fruit there. And as you know, he had always lived on twigs. Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. आगे क्या हो रहा है पार्ट, चैप्टर के सेकेंड पार्ट में, करी एक बेबी की तरह था, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती थी अच्छा बनने की, और अगर आपने उसे सही समय पर उसकी कमियां नहीं बताई तो वो बहुत ज़्यादा नॉटी हो जाता था। इनफैक्ट इतना कि वो हर तरीके की मिसचीफ करता था, इतनी जितनी उसने पहले कभी ना की हो। मिसचीफ मतलब शैतानी। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन क्या हुआ, समबडी किसी ने उसको खाने के लिए कुछ बनानास दे दिए। बहुत ही जल्दी बिना हमें पता चले उसने बनानास, राइप यानी कि पके हुए बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर लिया। फिर वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। तो इसके फैमिली में एक रूल था, विंडो के पास जो डाइनिंग रूम के पास जो विंडो थी वहाँ पे ये लोग बड़ी सी थाली रखते थे जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हुआ करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सारे के सारे बनाना वहाँ से डिसअपीयर थे यानी कि गायब थे, और उसकी फैमिली ने क्या किया, पूरा ब्लेम उनके सर्वेंट्स पे डाल दिया। उसके फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि सारे के सारे फ्रूट सर्वेंट्स ने खा लिए और घर में अब कोई भी फ्रूट्स नहीं है।
उस दिन का मैटर तो सिंपल था क्योंकि ब्लेम सर्वेंट्स पे गया था, तो किसी ने कुछ नहीं बोला. सर्वेंट मीन्स नौकर. कुछ दिनों बाद फ्रूट्स फिर से गायब हुए और अनफॉर्चुनेटली इस बार जो ब्लेम था वो ना ही सर्वेंट्स पे गया, ना ही किसी और पे, पर आया किस पे? नरेटर पे, मी. इट इज़ अ फर्स्ट पर्सन नरेशन, आई टोल्ड यू. इस बार नरेटर बिल्कुल श्योर था कि उन्होंने ये नहीं किया है. इस वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आया, पहले अपने पेरेंट्स पे, दूसरा फिर उस घर के नौकरों पे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने कोई फ्रूट वहाँ से नहीं लिया है. अगली बार जब फ्रूट डिसअपियर हुआ, मैंने देखा कि करी के पवेलियन, करी का पवेलियन मीन्स द प्लेस वेयर करी लिव्ड, वहाँ पे एक बनाना था जो पूरी तरीके से स्मैश हो चुका था, मतलब इट वॉज ऑल मैश्ड अप. ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था क्योंकि आज से पहले मैंने करी के पवेलियन में कभी कोई फ्रूट नहीं देखा था. और हमें भी इन्होंने बताया है स्टार्टिंग में कि करी को क्या पसंद था, ट्विक्स पसंद थे. नेक्स्ट डे जब मैं अपने डाइनिंग रूम में बैठा था और मैं सोच रहा था कि मैं कुछ फ्रूट्स लूँ टेबल से बिना अपने पेरेंट्स के परमिशन से, तभी अचानक से एक बड़ी काले रंग की चीज़ आई, जैसे कि एक स्नेक हो, एक विंडो के, हमारे विंडो के थ्रू. और सडनली उस बास्केट में जितने बनानास रखे थे वो सारे बनानास डिसअपियर हो गए, मतलब वहाँ से गायब हो गए. आई वॉज वेरी मच फ्राइटन बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट्स. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ माई हाउस, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस. एज आई वेंट आउट आई सॉ करीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन. आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप. आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास. आई स्टूड स्टिल इन एस्टॉनिशमेंट. द बनानास वर लाइंग स्ट्रियन ऑल अराउंड हिम. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक and reached for one far away from where he was standing. That instant, wait, let's read till here. अब क्या हुआ, जब उन्होंने एक दिन इस चीज़ से डिप्रेस होकर वो अपने विंडो पे बैठे थे और सडनली कोई ब्लैक सी चीज़ जैसे कि एक स्नेक आकर सारे बनानास को डिसअपियर करके चली गई. ये देखकर नरेटर बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी सांप को केला खाते हुए तो नहीं देखा था. एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नेक. और उन्होंने सोचा कि ये जो स्नेक होगा ये बहुत ही गंदा टेरेबल सा स्नेक होगा जो चुपके से हमारे घर के अंदर आ गया और सारे फ्रूट्स ले जाता है. मैं धीरे से क्रेप्ट, मतलब दबे पैरों से रूम के बाहर गया और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर आ गया था. मेरे आई थॉट कि मेरे घर में जो सांप है वो धीरे धीरे क्या करेगा, मेरे घर के सारे लोगों को मार देगा और सारे फ्रूट्स खा जाएगा. तो ये डर आ गया था उनके अंदर. ही वॉज वेरी फ्राइटेंड. एज आई वेंट आउट आई सॉ करी. नाउ एज आई वेंट आउट उसने देखा कि जो करी है उसका बैक, यानी कि बॉडी का बैक पोर्शन डिसअपियर हो रहा था उसे पेविलियन के डायरेक्शन में, मतलब वो कहीं इधर रहा होगा. जैसे ही वो बाहर उधर की तरफ गए उन्होंने देखा कि वो उधर की तरफ पेविलियन की तरफ जा रहा था. वो इतना डरे हुए थे कि अपने आप को एक्साइट करने के लिए उन्हें करी की कंपनी चाहिए थी. तो मैं दौड़ता हुआ, मतलब नरेटर दौड़ते हुए करी के पवेलियन की तरफ गए और मैंने देखा कि वो बनानास खा रहा है. वहाँ मैं पूरी तरीके से शॉक्ड होकर खड़ा था और मैंने देखा कि सारे बनानास उसके अगल बगल फेंके पड़े हैं. उसने अपना ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वाज स्टैंडिंग. उसने अपना ट्रंक, यानी कि ट्रंक समझ रहे ना, दिस सून, हाथी की सून, उसको स्ट्रेच किया और एक बनाना जो उससे बहुत दूर था उसको खींचने के लिए ताकि वो उसे उठा के खा सके. फिर आगे क्या हुआ, दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ. आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज करी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दीज मेनी वीक्स. देन आई स्कोल्डेड हिम फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन. And I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. He knew that we were all angry, and with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole anything, another thing from the dining room. And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back
इन योर ओन कॉइन। फिर क्या हुआ, उस इंस्टेंट यानी कि उस मोमेंट पे उसकी ट्रंक, जैसे कि जिसको मैंने यानी नरेटर ने ब्लैक स्नेक समझा था, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली में कोई सांप नहीं था, वो करी की ट्रंक थी। मैं उसके पास गया और मैंने जोर से उसका कान खींचा और खुशी खुशी से अपने पेरेंट्स के पास लेकर गया ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि उस दिन जो फ्रूट्स गायब हुए थे उसकी चोरी ना मैंने की थी ना सर्वेंट्स ने। वहां पे ले जाने के बाद मैंने उसको खूब जोर से डांट लगाई और एक बात वो जनरली कन्वे कर रहे हैं कि जो एलिफेंट्स हैं इन्हें वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, ये सारे के सारे शब्द समझते हैं। और मैंने उसे समझाते हुए कहा कि अगर अगली बार मैंने कभी भी तुम्हें कुछ स्टील करते हुए देखा, किसी भी तरीके का फ्रूट, तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा, आई विल विप यू। उसे पता था कि हम सब बहुत गुस्सा हैं उससे, इनफैक्ट सर्वेंट्स भी। उसकी प्राइड यानी कि उसकी इज्जत को इतनी ठेस पहुंची थी कि उसने उस दिन के बाद कभी डाइनिंग रूम से कुछ भी नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से जब कभी भी उसे कोई फ्रूट देता था तो वो जोर से उस चिल्लाता था ताकि वो ऐसा उसे एक थैंक यू का जेस्चर दे सके। फिर एक जनरल बात बताते हैं वो एलिफेंट्स के बारे में कि ये जो एलिफेंट्स होते हैं ये खुशी खुशी आप कोई पनिशमेंट अगर आप उन्हें देते हैं उनकी गलती के लिए तो वो उस पनिशमेंट को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर बिना किसी रीज़न के आप उन्हें पनिश करते हैं तो समय आने पर वो आपको आप ही के तरीके से आपको जवाब भी देते हैं। सो दैट्स इट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड नाउ वी वुड प्रोसीड टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, करी इज अ फास्ट लर्नर, He masters all signals and sounds he is taught. There is one lesson, though, that an elephant takes 5 years to learn. Curry is no exception. अब तीसरे पार्ट में हम लोग ऐसी चीज़ें देखेंगे। करी एक फास्ट लर्नर है, वो सारे के सारे सिग्नल्स और साउंड्स जो उनको पढ़ाए गए हैं वो सब वो समझता है। और एक देर इज़ वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स, और एक ऐसा लेसन है जो सीखने के लिए करी को कम से कम 5 साल लगते हैं, और ऑब्वियसली करी या किसी भी एलिफेंट को, और करी इस चीज़ में एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि वो लेसन जो भी जिस भी लेसन की बात करिए वो सीखने में इससे भी 5 साल लगे होंगे। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू डू, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, इफ यू से धत एंड पुल हिम बाई द टीयर्स ears, he will gradually learn to sit down. Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. Curry learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn Dhat. He was no good at sitting down. And do you know why an elephant should be taught to sit down? Because he grows taller and taller than you who take care of him, so that when he is 2 or 3 year old, you can only reach his back with a ladder. It is therefore better to teach him to sit down by saying Dhat, so that you can climb upon his back, and who would want to carry a ladder around all the time? तो आगे क्या है चैप्टर में, एक एलिफेंट को बैठना सिखाना, चलना सिखाना, तेज कब धीरे, ये सारी चीज़ें सिखाना ज़रूरी होता है, और उसे ये चीज़ें ऐसे सिखानी पड़ती जैसे कि हम एक बच्चे को सिखाते हैं। अगर आप धत बोलते हैं और उसके कान को खींचते हैं तो वो ग्रेजुअली सीखता है कि ये सिग्नल है बैठने का। सिमिलरली अगर आप माली बोलते हैं और उसके ट्रंक को आगे की तरफ खींचते हैं तो ये सिग्नल होता है ये बताने का कि उसे चलना है, चलना शुरू करना है। करी ने माली तो 3 lessons में ही सीख लिया, लेकिन धत का लेसन सीखने में उसे 3 हफ्ते लग गए। वो बैठना नहीं चाहता था। आपको पता है कि एलिफेंट्स को बैठाना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि अगर आप उसे बैठाएंगे नहीं, दिस इज़ ऑन अ फनी नोट, तो वो बहुत 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 लंबे ग्रो करते जाएंगे और 2-3 साल में वो इतने ऊंचे हो जाएंगे कि आप उनको अगर आपको अगर उनके बैक तक पहुंचना है तो आपको एक लैडर यानी कि सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन, इसलिए बहुत बेहतर है कि आप उसे धत बोल कर बैठना सिखा दें। आफ्टर ऑल किसको हर वक्त सीढ़ी लेकर घूमना अच्छा लगेगा। अगेन द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल, कि इट जनरली टेक्स 5 years। सो जिस चीज की बात हो रही थी वो मास्टर कॉल है, लेट्स सी कि मास्टर कॉल है क्या। ही जनरली टेक 5 years टू लर्न इट प्रॉपर। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग
howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other, and you know, and you have to make that kind of noise in his ear. And do you know what you expect an elephant to do when you give him the master ball? If you're lost in the jungle and there is no way out, and everything is black except the stars above, you dare not stay very long anywhere. The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. This frightens all the animals away. As the tree comes crashing down, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch. You can see them in the moonlight, and you can almost see the stags running in all directions below. You can hear the growl of the tiger in the distance. Even he is frightened. Then the elephant pulls down the next tree and the next and the next. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. Okay, so this master call is quite an interesting thing. So ye master call kya hai? ये एक स्ट्रेंज हिसिंग और हाउलिंग की साउंड है, जैसे कि एक स्नेक और टाइगर, स्नेक बिकॉज ऑफ हिसिंग, हाउलिंग बिकॉज ऑफ टाइगर. तो एक हिसिंग हाउलिंग मिक्स्ड साउंड है जो कि ऐसी हो जैसे कि स्नेक और टाइगर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और आपको ये साउंड उसके कान में करनी होती है. एंड डू यू नो वॉट डू यू आपको पता है कि इसके बाद आपका एलिफेंट क्या करेगा जब आप एक मास्टर कॉल उसे देते हैं? अगर आप कभी जंगल में खो गए और वहाँ से बच निकलने का कोई तरीका नहीं है और हर एक चीज़ काली है सिवाय आसमान में दिख रहे तारों के, तो ऑब्वियसली आपकी हिम्मत नहीं होगी कि किसी एक जगह पे बहुत देर तक रुक जाएं. तो उस वक्त एक अकेली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि वो आप एक मास्टर कॉल दे सकते हैं. उस वक्त इमीडिएटली आपका एलिफेंट क्या करने लगेगा, उसके ठीक आगे जो पेड़ है उसको अपने ट्रंक से उखाड़ कर गिरा देगा और ज़ोर से गिराएगा. अब इसके गिराने की वजह से सारे जो एनिमल्स हैं वो डर के दूर भागने लगते हैं, सारे के सारे पेड़ गिराने लगता है वो, मंकीज इधर उठ जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे. साथ ही साथ जो रात के वक्त आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे स्टैग्स इधर उधर अलग अलग डायरेक्शंस में भाग रहे होते हैं. आपको जो दूर कहीं बहुत दूर जो टाइगर है उसके भी ग्राउल करने की आवाज़ आती है इतनी कि वो भी डर जाता है. और ये एक ही पेड़ पे नहीं रुकता, उसके बाद वो एलिफेंट दूसरा पेड़ गिराएगा, दूसरा दूसरा दूसरा, और तब तक वो पेड़ गिराते रहेगा जब तक जंगल का रास्ता बिल्कुल साफ ना हो जाए और आप वहाँ से निकलने का रास्ता ना ढूंढ लें. और ग्रेजुअली आपको दिखेगा कि वो जंगल की रास्ता इतना साफ हो चुका है कि आप अपने घर तक पहुँच गए हैं. सो दैट्स इट. दिस हैज़ बीन रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी, जो कि लिया गया है इस बुक से, करी द एलिफेंट. सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो. हमने इस चैप्टर, ये बड़ा था काफ़ी, बट हमने इस चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी है एक एलिफेंट के बारे में, जैसे कि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको कैसे ट्विग्स पसंद आते हैं, किस तरीके के ट्विग्स, डेलिकेट सॉफ्ट ट्विग्स, और कौन से पेड़ के, बैनियन पेड़ के ट्विग्स पसंद आते हैं. इसके बाद हमने देखा था कि बहुत ही हेल्पफुल बिहेवियर के भी होते हैं, हेल्पफुल इन द सेंस वो अपने जो उनका जो केयर टेकर है उसके प्रति लॉयल तो होते ही होते हैं, साथ में इस तरीके का बिहेवियर भी होता है कि कोई हो तो उस कोई ज़रूरतमंद की हेल्प कर सके ज़रूरत पड़ने पर. उनको राइप बनाना यानी कि पके हुए बनाना बहुत पसंद आते हैं. अगर उनको सही समय पर कोई चीज़ ना सिखाई जाए तो वो बहुत नॉटी यानी कि शैतान हो जाते हैं. कोई गलत चीज़ करने में वो चुपचाप अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन अगर आप बिना किसी रीज़न के उनको पनिशमेंट देते हैं तो वो आपको उसका जवाब भी देते हैं सही समय आने पे. लेकिन एक चीज़ है जो सिखाना बहुत ज़रूरी होता है और वो सीखने में उन्हें 5 साल लगता है. फिर कुछ साउंड्स हैं जैसे कि मली एंड धत, जिसकी वजह से उन्हें बैठने और चलने की ट्रेनिंग मिलती है. एंड देन इज़ द ग्रेट मास्टर कॉल, जो बेसिकली आप तब यूज़ करते हैं जब आप जंगल में कभी खो जाएं. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो. अगर अभी भी कोई डाउट है तो अपने एडवाइजरी को बताइए, एंड लेट मी नो, आई विल गिव द आंसर्स, या फिर हम जब भी नेक्स्ट लाइव सेशन में जाएंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. टिल देन ये 8 questions के नोट्स मैं आपको भिजवाती हूँ आपके एडवाइजरी के थ्रू. ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन इन योर होमवर्क कॉपी एज वेल. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टडी वेल किड्स. बाय.